हाँ भाई, सब संतान है बोलण तो पहला, पिया कोई लेखन लिखन तो पहला, आपदे गुरु प्रभु दा धन्यवाद कीता है। सानू पता ही है कि कौन धन्यवाद करता है जिदी ये समझ दे विच आ जावे कि इसने मेरे ते कोई एहसान कीता है। महाराज कृपाल कहिंदे हुंदे सीगे कि तुसीं भई किसे नूं अगर पानी दूध पिलाओ उसनूं भूल जाओ, अगर किसे दा पानी पियो तुसीं उहनूं दूध दे बराबर समझो, धन्यवाद करो। सब संतां ने आपदे गुरु प्रभु दा धन्यवाद कीता है। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहिंदे है, ऊच अपार बेअंत स्वामी कौन जाने गुण तेरे, गाव ते उदरे सुनते भी उदरे, बिनसे पाप कनेरे, पशु प्रेत मुग्ध को तारे, पाहन पार उतारे, नानक दास तेरी सरनाई सदा सदा बलिहारे। मैं सदा बलिहार जाना है गुरु की शरण दे विच आके, बड़े बड़े राकश, बड़े बड़े शराबी कबाबी सब कुछ छड के वो अच्छे सियाने भगत बन जाते हैं। ओडा बड़ा उस इलाके का मन्या परवन्या सरदार सी, तकड़ा आदमी सी। राक्षस नूं इस वास्ते कहा गया कि उहदी जिहड़ी बुद्धि सी वह राक्षसां वाली सी, डंगरां नूं तां उहने माफ करना की सी, वह बंदिआं नूं भी खा जांदा सी, बंदिआं नूं भी माफ नहीं करदा सीगा, इतना मास दा शकीन सी। गुरु नानक नूं पता सी कि मैं उसका संदेश मेरे पास है, संत जीवां दी रखी हुई अमानत प्रभु दी तरफों देण वास्ते आउंदे है। शब्द नाम वह परमात्मा दा उहनां कोले अमानत हुंदा है। गुरु नानक कहिंदे है, पराई अमानत क्यों रखिया, दित्ती हूं सुखाए होए, गुर का शब्द गुर था टिके, होर था प्रगट ना होए। इस वास्ते बड़े बाखूबी दे नाल भावें तकलीफ आवे, जिन्हां दी अमानत है उन्हां दी जरूर वो पहुँचाउंदे है, दिंदे है। तो गुरु नानक अंदरों जाणदे सन कि कौड़े राक्षस नूं किस तरह तारना है। वो एक गिरिया सी, मैं दसदा हुन्ना, महाराज सावण कहिंदे हुंदे कि जद तक साडियां अखां बंद है असी कहने कि असी सत्संग दे अंदर जाने हैं या असी भजन अभ्यास विच बहने हैं। जिस दिन अख खुल जाती है फिर कोई भी नहीं कहिंदा कि मैं भजन अभ्यास करदा हाँ या मैं बहिंदा हाँ या मैं सत्संग दे अंदर जाना है। फिर पता लगता है कि किस तरह वो महान गुरु पर्दे दे पिछे शब्द रूप होके कम करता है, किस तरह सानू अंदरों प्रेरदा है। इस तरह नाम दे मुतालक है, असी बहुत सारे लोग आम तौर दे उते ये दावा करते हैं कि मैं फलाने नाम दवाया, सत्संगी बनाया, लेकिन नहीं, ये सच्चाई नहीं हुंदीगी। तो सब कुछ शब्द रूप गुरु ही पर्दे पिछे कम कर रहा है, उन्हू पता है कि मैं की तो कम लेना है, किदे विच दी करना है, किनू मैं एक मात्र बहाना बनाउणा है। सब नाल चंगा यही हुंदा है कि एक क्रेडिट उसे गुरु परमात्मा नूं दिता जावे। अगर वह परमात्मा धन्यवाद ना करे, उहदा धन्यवाद ना करिए, तुसीं सोच के देख सकते हो। मैं जिहड़ा रोज कहना है कि असीं धन्यवादी हैं, सानू उहने आपदी भगती का मौका दिता, प्यार का मौका दिता। महाराज सावण कहिंदे हुंदे सीगे किसी ऐसी जगह जाके जन्म हो जावे जिथे कि असी भुले भटके भी उस प्रभु की तरफ ना आ जाइए,
इसे तरह अगर वो सत्संग दी साढ़े ते कृपा ना करे, दया ना करे, असी कदे आ ही नहीं सकते, बैठ ही नहीं सकते। इन्हां कहानियां नाल इतिहास बड़े भरे पे है। पुराणा दे अंदर एक बड़ी मशहूर साखी आउंदी है कि सहारनपुर दे अंदर एक शाहूकार सी, उहदे कोल काफी धन पदार्थ सी, वध तो वध और सोन भी आला दर्जे का सीगा। इस वास्ते जवान उम्र विच घरवाली साथ छड़ गई, उदास रहन लग पिया, थानू पता ही है कि जदों बुढ़े बेचैनी करते हैं, घरवालों का जिहड़ा जोश हुंदा बच्चों का नूहां का, वह सारा ठंडा पै जाता है। उहदा मंजा बाहर डाह दिता, खंघदा भी घरदिआं नूं बुरा लगता है। वह नूह पुत उहनू कहण, चल तैनू हरिद्वार छड्डे आउने हैं, क्योंकि आम साडे धारणा हिंदुस्तान च ही बनी आई है कि उत्थे हरिद्वार चलो, मर के भी जाना ही है, क्यों ना जिंदे उत्थे जाके चोला छड्ड देईए। कुछ दिन उत्थों दा पानी जिहड़ा कि लोगों ने काफ़ी उहदी शोभा कीती हुण तक भी अच्छा है, पीवांगे। वह कहण लग्या, थानू पता नहीं गंगा दे पानी दा जां गंगा दा, उत्थे जितने भी पंडे या कोई महात्मा रहिंदे है वह सारे ठग है, लोगों दीआं जेबां जिहड़ियां हन वह फरोड़ लैंदे है, गंगा दा पानी वाई खोरा है, वह अच्छा नहीं गा, मैं गंगा क्यों जावां, तुसी जाके अपने घर पा लो। हुण बच्चे बड़ा चाहुंदे सीगे कि चल यह आखिरी टाइम दे उत्ते जाके अपना आप सुधार ले तां अच्छा है, लेकिन बुढ़ा सदा नाराज रहिंदा, तुहानू पता ही है मौत नहीं छड्डदीगी। मौत ने गला आ दवाया और घरदिआं ने सोचिआ वी जिंदे जी तां कदे इहने कोई तीर्थ इशनान नहीं कीता गा, कोई अच्छा कर्म नहीं किया, क्यों ना इसका शिशकार जिहड़ा है वह गंगा ते जाके करिया जावे, अच्छा होएगा। जितने भी रिश्तेदार सन, भैन भरा सन, सारे गंगा नूं तैयार हो गए, मरे बुढ़े नूं भी पालकी दे विच पा लिया। उन्हां दिनां दे विच अज दी तरह कोई रेल या हादसे नहीं सन, रेल नहीं सी, कोई कारां जीपां नहीं सन, साधन आउण जाण दे इतने उपलब्ध नहीं सन जिन्ने कि अज है। उदों आम तौर ते लोग पैदल जांदे सी, कोई चमी समान ले जाना उस तरह से चुक के बड़ा मुश्किल हुंदा सीगा। शाहूकार पैसे वाले सी, उन्होंने पालकी दे विच उसनू पा लिया, नाल धन पदार्थ ही ले लिया, चले गए। रस्ते विच रात पई, एक धर्मशाला दे विच उन्होंने रात कट्टी, खाना दाना बनाया, उत्थे गल्लां करन लगे कि भई बजुर्ग देख लो जिंदे जी तो इत्थे आया नहीं गा, आपां हुण मरे नूं भी लै के ही चले आ ना, जे जिंदे जी आ जांदा किड्डा अच्छा हुंदा। उस धर्मशाला दे अंदर एक कोड़ी रह रहा सीगा, उहने सोचिआ कि जदों जाके खुश नहीं, ये चार भरा इहनूं बन्नी जांदे है और उत्थे बड़े दानी लोग आउंदे है, दान दे के जांदे है, क्यों ना मैं इहनूं पासे कर देवां ते आप इहदी पालकी च लपेट के पै जावां। उसने बुढ़े नूं अंधेरे दे विच, क्योंकि उन्हां दिनां दी बिजलियां तां नहीं हुंदियां सी, पासे कर दिता, आप उहदे विच वड़ के कपड़ा लेके पै गया। हुण सदेहां तुरदे सी वी धुप चढ़न तों पहलां पहलां आपां जिहड़ा सफर आ उहनूं तय कर लईए। उस सदेहां चक के कोहड़ी नूं उत्थे चले गए हरिद्वार, बड़े खुश होए, पंडित सद्दे, क्रियाकर्म होया, सब कुछ किया। जदों शिशकार करन लगे लकड़ां दे तरन, तो विचों कोहड़ी हिलिया पालकी चों, वो बड़े अचरज होए भी यह मुरदा जिंदा हो गया है। जे देखिया तो वह कोहड़ी
वो कहन लगे, भले मानस तू ये कहो तो की कीता? तो कहिंदा वी देख, मैं उन्हूं उत्थे कोई मेरी बात नहीं पुछदा सी, कोई खाने नूं कुछ नहीं दिंदा सी, लोक मैं तो नफरत करदे सी, मैं इत्थे आ गया है, दानी लोक जिहड़े है वो इत्थे काफी दान दे जांदे है, मेरी बड़ी अच्छी गुजर होएगी। हुण वो सारे रिश्तेदारां ने सोचा भी अफसोस की गल है, बड़े अचंभे की गल है, ना वो जिंदा आया ना वो मरिया आया, हुण आपां की करिए। कुछ आदमियों ने यह व्यौत बनाई कि आपां चलो, कोई खास रिश्तेदार दो, एक उहदा लड़का एक होर, उहनूं लैण वास्ते जांदे है, एक घोड़ी ते उपर तां वो बुढ़े की लाश बन दिती, एक ते आप बह गए। रस्ते विच घोड़ी डरी, वो हरिद्वार जा पहुंचे ते घोड़ी उसनु लेके ते पिंड विच आ गई। उस सहारनपुर दे विच लोग देखते हैं कि ये जिहड़ी लाश है ये तो उसे शेठ दी है, इन तो हरिद्वार लगे सी साड़न वास्ते। खैर उत्थे इतने नु वो भी आ गए कि सारा कौतक देख के बड़ा ही अचंभा होए। सब रिश्तेदार कहिंदे, क्यों ना ये भागा जी जो है नहीं तो आप इन्हें इतने शिकार कर दिए, चलो ये फुल लै चलांगे। उन्होंने की किया, शिकार करके उस दे फुल पंडित नूं सद्या। उन्होंने दिनों दे विच आम तौर दे उत्ते जिहड़ी राख सी वह पंडित लोग ले जांदे सीगे, और वह पंडित नूं सद्या, लो जी बाबा जी आ तुसीं पंडित जी, किरिया कर्म करिया है। वो सबने किसी ने 2 रुपए, जो साढ़े हिंदुस्तान का रवाज है, कोई छाप छला ही पाता है विच, कोई काफी पैसे पाते हैं, वो पंडित लेके जो लीड़ा होंदा है भगवान वास्ते वो सारा कुछ लेके पंडित तुरिया। पंडित ने सोचा कि रस्ते विच खोहां बड़ियां होंदियां हन, ये पैसा नाल गया, लोग मेरे तो खोह लैणगे, क्यों ना इस नूं मैं घरे रखिया वा, फिर जाते रहेंगे उतो। जब वो पंडित पैसे घरे रखने वास्ते आया, उस गुथली नूं जो फुलां वाली सी राख वाली, उन्हूं उत्थे एक दरख्त नाल बन्ने आया, उत्थे एक पंगी लकड़ा चुगण वास्ते गया। तो उपर जदों दरख्त ते चढ़िया, थले गुथली नजर विच पई, दिल दे विच ख्याल आया कि नवीं गुथली है, हो सकदा इहदे विच कोई धन दौलत होवे। उहने थले उतर के वह गुथली ला ली, उहदे विच कुछ पैसे बचे सी, तो कपड़ा सीगा जिहड़ा भगवान दे उत्ते पाउंदे है, क्योंकि वह पंडित लैंदा है, किरिया कर्म करन वालिआं नूं सब नूं पता है। वो पंगी ने घरे लिआंदा, पैसे जिहड़े सीगे वो रख ले, और हड्डियां उत्थे सिट दित्तियां। पंडित जी उत्थे गए, उत्थे हड्डियां है नहीं सन। खैर पंडित जी ने उत्थे झूठियां मूठियां पंडितां दे नाम दियां चिट्ठियां बनाईयां भी, आ देखो रसीद है, मैं तुहाडा किरिया कर्म करिआ आया, इतना खर्चा होया है। घर दे खुश हो गए कि प्रोत सब कुछ करिआ आया है। कुछ टाइम बाद, 6 महीनों बाद, वो पंगी दे घरवाली वो कपड़ा जिहड़ा भगवान ते पाउंदे है उहदी कुड़ती सलवार पाई फिरे, वो महाजन दी नूं ने घरे आए नूं पछाण लिया। जब उन्हां दा घर दे विच सफाई करन आई भी ये कपड़ा तां उही है जिहड़ा साडे दीवान दे उत्ते असीं बजुर्ग नूं दित्ता सीगा। उन्हां ने सद्या पंडित जी नूं कि पंडित जी ये कपड़ा कित्थों लिया है। पंडित जी पहलां तां इधर उधर लगे गल करन, हाँ वो पंगी नूं सद्या भी ये कपड़ा कित्थों लिया है। वो कहण लग्या, इधर उधर दियां गल्लां कीतियां, आखिर उन्हां ने दबकाया। पंगी कहण लग्या, जी मैं इस तरह लकड़ां चुगण वास्ते गया सीगा, उत्थों ही कपड़ा मैनूं इस तरह मिलिया सीगा, जिहड़ियां हड्डियां सीगियां वह मैं सिड़ दित्तियां, मैं की करनियां सीगियां। पंडित नूं सद लिया, क्यों बई दादा तू कहिंदा सां मैं तुहाडे बुढ़े ते फुल पाया आया है, सारा समान उत्थे दे आया है, आ की बनिया? पंडित ने सोचिया भी हुण खस्ता कसूते गए हैं, बदनाम भी होवांगे, क्यों ना हुण जुगती खेडिए। सियाणा आदमी सीगा, विद्वान सीगा, क्योंकि विद्वान लोगों नूं ऐसियां गल्लां आउंदियां हन। वो कहिंदा, देखो जी ठंडे दिल नाल सोच के देखो, जब थोड़ा बुढ़ा
ਜਿਉਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਮਰਿਆ ਵੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਉਹ ਫੇਰ ਵੀ ਨਾ ਗਿਆ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੱਲਾ ਜਲਾ ਕਿਵੇਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਸਾਂ ਸੋ ਪਿਆਰਿਓ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਮਨੁੱਖਗਤ ਪਾਵੈ ਪਰ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਪਾਥਰ ਕਰਾਵੈ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਲੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਗਮਾਂਡ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ ਆ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰਬੰਸ ਭਜਨ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਦੀ ਕੋਠੀ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਸਨ ਨਹਿਰੀ SDO ਡਿਪਟੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇਦਾਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਨਸ਼ੀ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਜਨ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਸੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਪਿੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਤਾਨ ਮਿਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਜਾਤੀ ਤਜਰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਗੇ ਆਲਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਾਣਦੇ ਬੁੱਝਦੇ ਅਸੀਂ ਟਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਲੈ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਤੂੰ ਦਇਆ ਨਾ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਨਾ ਸਕਦੇ ਫਿਰ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਾ ਸਕਦੇ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪਛਾਣ ਸਕੇ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਉਸੇ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਇਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਹਾਣੀਆਂ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਖ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਜੋ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਹਰ ਵਕਤ ਉਹ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਉਸ 'ਤੇ ਚੱਲੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚਾਹੇ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕੱਥੜੀਆਂ ਸੰਤਾਂ ਹੈ ਸੇ ਸਿਖਾਏ ਪੰਧੀਆਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਿੰਨਾ ਨੂੰ ਰਾਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਮੰਨ ਕੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਥਾਏ ਸਾਖੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੋਲਦੇ ਸਾਂਝੀ ਸਗਲ ਜਹਾਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੇ ਹਰੇਕ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੱਢਦੇ ਹੈ ਕਿ ਪਿਆਰਿਓ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਸਦਾ ਡਰਦੇ ਰਹੋ ਅਗਰ ਉਹ ਨਾ ਚਾਹਵੇ ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪ ਸਕਦੇ ਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪ ਖੁਆਏ ਕਰਤਾ ਖੁਸ ਲਏ ਚੰਗਿਆਈ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਖੁਆਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਭੈੜੇ ਖੋਟੇ ਕਰਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਹੈ ਚੰਗੀ ਅਕਲ ਹੈ ਸਮਝ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਛੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਅੱਛੀ ਅਕਲ ਹੈ ਜਦ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਸਮਝਾ ਲਵੇ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਬਾਤ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਠਿਆਈ ਖਾਧੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਠਾਈ ਦਾ ਸਵਾਦ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਦ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਗ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਕਰੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਲੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਜੋ ਮਹਾਤਮਾ ਸਿਮਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਜਾਂ ਦੋਨੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤਾਰੇ ਸੂਰਜ ਚੰਦਰਮਾ ਸਭ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸੱਚਾ ਸ਼ਿਸ਼ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਛੈ ਹੈ ਕੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਹ ਸਰੂਪ ਜੋ ਨੂਰੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਹ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਮਨ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਇਆ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਉਸ ਰੂਪ ਨੂੰ ਛੱਡ ਨਾ ਸਕਿਆ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਗਾ ਸੱਚੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਗੀ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੱਝਦਾ ਗਾ
ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚਾੜ ਦਿੱਤੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੂੰ ਤੱਤੇ ਤਵੇ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਮੌਜ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਸੂਰ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਖਮੋਸ਼ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਸੂਰ ਤੂੰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੱਸ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਦੇ ਦੇ। ਜਦ ਕੁਰੈਸ਼ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਬੁਰਾ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਬੁਰਿਆਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਮਾਫ਼ੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ, ਸੱਚੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਸੱਚਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸੱਚਾ ਭਰੋਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਹੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡਾ ਠੱਗ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ, ਸੂਲੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਗੇ, ਸਾਡਾ ਕਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਾਰ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਅਭਿਆਸ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਠ ਦਿਨ ਫਿਰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਤੂੰ ਤੀਸਰੇ ਤਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕਾਗਰ ਕਰ, ਫੇਰ ਦੇਖ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਮੋਹਣੀ ਸੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਭੋਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਜੈ, ਇੱਕ ਭੋਰਾ ਵੀ ਤਿਲ ਜਿਹਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੜਫਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੂੰ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੱਜਣ ਮੁੱਖ ਅਨੂਪ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਨਿਹਾਲ ਸਾਂ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਸਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਲੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਰਵਾਂ, ਫਿਰਦਾ ਕਿਤੇ ਹਾਲ ਜੇ ਡਿੱਠਾ ਤਾਂ ਮਨ ਧਰਾ ਪਿਆ, ਅਗਰ ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਖ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਚੈਨੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਮਸਾਲਾਂ ਚੁਗੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲਲ ਪੰਛੀ ਹੈ, ਕਮੋਦਨੀ ਹੈ, ਚਕੋਰ ਹੈ, ਚੰਦਰਮਾ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਹੈ, ਭਵਰਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੁਲਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਗੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ ਗਾ। ਪਪੀਹੇ ਕੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ ਗਾ, ਕਿਉਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਕੁੱਲ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਲਾਜ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਕੋਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਮਕੜਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਤੰਗਿਆਂ ਦੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਖੀਆਂ ਚੱਲ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਫੰਗ ਹੈ, ਪੈਰ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ ਤਕਰੀਬਨ ਰੰਗ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ ਕਿਉਂ ਫਰਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਰਾ ਐਸਾ ਕਰੋ ਕਿ ਉਸ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਭਲਾ ਦੀਆ ਜਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੱਖੀ ਉੱਡੀ, ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਵੀ ਦੀ, ਮਿੰਟ ਵੀ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਖਬਰ ਲਿਆਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਤੰਗਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਦਬਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਥੋੜੋ ਸੀਗਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਲ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਾਨਵਰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਦੀ ਲਾਜ ਨੂੰ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਸੋਚਣ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੀ ਧਰਮ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਜੀ। ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਨਾਮ ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਆਠਵਾਂ ਦੇਖ
स्वामी जी महाराज कहते हैं बाहरों ख्याल नूं कढ के अंदर जिथे के गुरु दान करता है दया का प्याला ले बैठा है कि सेवक कद आवे मैं ओदी जायदाद ओदे हवाले कर देवां। सानू पता ही है कि साढ़े हिंदुस्तान का आम रवाज है कि बच्चे नू बाप की जायदाद मिलती है। इस तरह गुरु शिष्य दे विच भी एक कानून लागू हुंदा है कि गुरु की ही जायदाद सेवक नू मिलती है, सेवक ही प्राप्त करते आए है। गुरु की असली संपत्ति असली जायदाद केड़ी है? वह सचखंड है, वह निज घर है जिथों कि साड़ी आत्मा निकल के आई है। इस दुनिया दे विच वो चाहता है कि मैं इसनू यही दे देवां, यही कीमती चीज है, बाकी तो सारियां नाश और फना होने वाली हैं। महाराज सावन सिंह जब कोई जायदाद खरीदने की देखभाल कर रहे थे, जब बाबा जैमल सिंह नूं पता लग्या, वो कहने लगे क्यों भाई थानू इतना फिक्र क्यों लग्या है, जिन्हें पैदा किया है वह सब कुछ करेगा। उन्होंने ख्याल तब्दील कर लिया क्योंकि वार दे अंदर वो जायदाद खरीदना चाहते थे। महाराज सावन कहते होंगे सी मगरों पता लग्या कि गुरु की की मौज सी, क्योंकि सारा बंटवारा हो गया उतों का। इस तरह महाराज कृपाल भी कुछ चेर जायदाद की भाल में सन। वो कहन लगे, कृपाल सिंह आपकी गद्दी कनी इशारा करके कहन लगे, तेनू तो मैं ये देनी है, तू किहड़े पासे फिरदा है? सो तुहानू पता है गुरु चाहता है कि मैं आपके सेवक नूं अपने जिंदे जी मैं इस तख्त दे उत्ते बिठा देवां, मैं निचेता हो जावां, मैनू पता लगे कि यह सब कुछ सांभ सकता है। सो प्यारिओ, ये गुरु की दया हुंदी है। कहन लगे तू उत्थे पहुंच तीसरे तिल ते जिथे गुरु दया करन सदा तैयार है। और जब उहदी आवाज शब्द वो टी टी नहीं कन्ना चाहन वाली, ये गुरु की आवाज है, ये कोई ममूली खेड नहीं, ममूली ताकत नहीं। जिमें जिमें असी इस नूं सुनदे हैं इहदे विच मिठास है, इहदे विच रस है और इस दे विच शांति है। आखिर जाके की पता लगता है जब इस आवाज नूं पकड़ के मंजिल दर मंजिल जाने हैं, अगे जाके जदों इस दे कोले पहुंचदे हैं जिथों की आवाज आउंदी है, उत्थे पता लगता है कि ये आवाज गुरु ही दे रहा सीगा दया करके किते मेरे बच्चे भुल ना जान। संत मत आसान तो बड़ी है, सौखी बड़ी है, लेकिन अफसोस ना कहना पड़ेगा असी इन्हूं मुश्किल बहुत बना रख्या है। क्यों मुश्किल बना रख्या है? दुनिया के कारोबार विच साड़ी दिलचस्पी है, इहदे विच दिलचस्पी नहीं हुंदी गी, इस वास्ते मुश्किल है। सतगुरां ने साडे अगे एक बुझारत पाई हुई है, बड़ी एक समझण दी गल है कि जिस तरह बच्चे छोटे छोटे खेडते हैं वो की करते हैं, एक बच्चा खड़ जाता है, दूसरे लुक जाते हैं, वो हाथ की ताड़ी मारता है, वो अखां जिन्हें फड़ना होंदा है उहदियां अखां बंद कराइयां होंदियां हन, तो ताड़ी मार के फिर लुक जाता है। दूजे है जिहड़े पहले लुक जाते हैं। हुण जिहड़ा बालक चतर हुंदा है, सियाणा हुंदा है, समझदार हुंदा है, वो आवाज दे उत्ते फौर जाके पहुंच के उसनू पकड़ लेगा। जिहड़ा चतर नहीं, सियाणा नहीं, समझदार नहीं, वो आवाज ते इस पासों आई है भज्जा इधर फिरेगा। सोच के देख सकते हो कदे किधरे जाएगा, कदे किधरे परेशान हो जाएगा। इतने नू उहदी जगह जिहड़ी है वह सारे आके रोक लेंदे है, वो फिर भज्जा फिरदा है। सो सिख वास्ते भी गुरु यही कम करता है, अखां बंद करा दिंदा है। हाँ भाई, जिहड़े सियाणे बच्चे है वो फौरन आवाज नूं पकड़ लेंदे है, सुन लेंदे है, ये कोई मुश्किल तो नहीं, पर असी मुश्किल बनाई है। जिमें जिमें असी इस आवाज नूं सुनदे हैं, गुरु नानक कहिंदा है अनहद घंटा सुन सुन रीझो, इहदे विच मिठास है,
ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਇਹਦੇ ਆਸਰੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਜਦ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਰੀਰ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਤਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਸਤਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਝੌਂਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉੱਠਦੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜੀ ਸਰੂਪ ਕਿਤਨਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਬਹਾ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਅੰਧੇਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਰੇ ਛਿਪ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਗਦਾ ਹੈ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਅੰਧੇਰਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਗਾ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹਨ ਇਹ ਵਜਾਤੇ ਖੁਦ ਰੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਲੈਂਪ ਦੀ, ਸੂਰਜ ਦੀ, ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਟੌਰਚ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈਏ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਕੱਖ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਅਸੀਂ ਅੰਧੇਰੇ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੀਦਾ ਗਾ, ਦਿਨੇ ਲੰਪ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹਨ, ਅੰਦਰਲੀ ਅੱਖ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਹਰਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੈ। ਜਦ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਦੇਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਹੀ ਮਹਾਤਮਾ ਵਾਰ ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਸੂਰਜਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਸੂਰਜ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ, ਉਸ ਸੂਰਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਦੇ ਘੱਟ ਪਾਨ ਹੋ ਜਾ। ਔਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭੋਰੇ ਦਾ ਕਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਮਲ ਖਿੜਦੇ ਹਨ ਭੋਰੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਗੇ। ਦਿਨ ਛਿਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਚੱਕਰ ਫੁੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਟਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਕਤ ਉਹ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਘੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਭੋਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕੈਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਦਮ ਘੁੱਟ ਕੇ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਕੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖਾਜ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉਸਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਖੁਦ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਉਹ ਅੰਧੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਏ, ਅੰਧੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਦੌੜਦੇ ਆਏ, ਦੌੜਦੇ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ।
इस वास्ते आप प्यार दे नाल कहिंदे है वो अंधेरे च आउंदे है अंधेरे च ही चलते है। गुरु साहिब सुखमनी साहिब विच की कहिंदे है कि जै पेंडे महा अंध गुवारा हर का नाम संग उजियारा। कहने लगे बड़ा ऐसा रस्ता आएगा जिथो थोड़ी आत्मा ने लंघना है वो बड़ा तंग है पीड़ा है बड़ा अंधेरा है। कहने लगे अगर नाम जपोगे नाम कोले होएगा ता वो लाइट का कम करेगा रोशनी का कम करेगा। लेकिन महात्मा का जाति तजर्बा दसदा है कि इसे वास्ते सब संत कहते हैं गुरबिन कोर अंधा गुरु बिन समझ ना आवै। बगैर गुरु तो समझ नहीं आती कि असी सज्जे जाना है खब्बे जाना है। अंदर काल दियां आवाजा भी रखिया हुई हैं काल दियां भी रोशनियां रखिया हुई हैं जो थले दे चक्रां तो आ रही होंदिया हैं। कहन लगे कि पूरा गुरु अच्छी तरह दस दिंदा है किधर जाना है। इस वास्ते आप कहते उहदे बगैर अंधेरा है। क्यों अंधेरा है कि साडी आत्मा अंदर जा नहीं सकती अंधेरे सानू कोई राह नहीं मिलता गा। गुरु अपने प्रकाश नाल ही महासुन दे विचों आत्मा नूं नंगा के ले जांदा है। उत्थे गुरु दी सानू लोड़ पैंदी है। उहदे विच बड़ियां बड़ियां पहुंचियां होईयां आत्मा भी गुआचियां फिरदियां हुंदियां हन। प्यारे उत्थे ही है कि गुरु दी जिहड़ी लोड़ पैंदी है उह सुन दे विच महासुन दे विच जाके महासुन में सुरत चढ़ावा तब सतगुरु तेरे संग चला। निचले मंडलों के जाके सानू पता नहीं लगता गुआच जाने हैं। लेकिन उपरले मंडलों जाके तो थानू पता ही है कि बनता है जेडे सत्संगी जाते हैं उन्होंने पता ही है। इस वास्ते आप प्यार दे नाल कहिंदे है जिन्होंने गुरु तो नाम नहीं लिया ज्ञान नहीं पाया उन्होंने अंदर अज्ञानता का अंधेरा है जी। असी क्यों इत्थे बैठे हैं क्यों भटक रहे हैं सानू किसे जामे विच पूरा गुरु पूरा नाम ना मिलिया। इसे गल दा सबूत है कि असी भटक रहे हैं। अगर गुरु मिल जावे नाम मिल जावे तो संसार दे विच आउण दा भूतां दी तरह चक्कर लाउण दा सवाल ही पैदा नहीं हुंदा गा। अगर जे साडे सतगुरां दे अंदर यह समर्था नहीं कि सानू ओह अंदर लिजा सकदे है ऐसे गुरु नूं मनन विच की फायदा है इन पूजन दे विच की फायदा है। नहीं प्यारियो ये साड़ी गलती है जिहड़े असी अंदर जाके उहदा अध्ययन नहीं करदे गे क्योंकि अध्यापक दियां अपनियां ड्यूटियां हुंदियां हन टीचर दियां अपनियां हुंदियां हन। जो सेवक कम कर सकदा है उह सेवक दी ड्यूटी है कोई सेवक करके देखे कि गुरु अंदर की करदा है। महाराज कृपाल कहिंदे हुंदे सन अगर सेवक सिख एक कदम चले गुरु पचास कर्मा इहदी तरफ आएगा। इस वास्ते आप प्यार नाल कहिंदे है कि भूतां दी तरह अगर जे असीं चक्कर लाउणे है पूरे गुरु कोले जाण दा की फायदा होया। इह ही उहदा फायदा है कि उह महात्मा साडी जिंदगी दा बीमा कर दिंदे है और सानू नाम दे रस्ते ते पा दिंदे है। साडा फर्ज बणदा है कि ईमानदारी नाल सच्चे दिलों उहदा नाम शब्द की कमाई करिए जी। स्वामी जी महाराज कहते हैं मैनू गुरु मिलिया नाम मिलिया मैं अनेक बारी सा सा ना उसके बलिहार जाना है। गुरु अंगद देव जब अंदर गए की कहन लगे बलिहारी गुरु अपने देवहाड़ी सदवार जिन मानस ते देवते किए करत ना लगे वार। कहते करते नू चिर नहीं लगता साड़ी रक्ष बुद्धि हुंदी है शराब मीट खाण वाले हुंदे हैं वो एक सकिंट भी दी आपकी दया करके सानू देवत्या जैसी बुद्धि बना दिंदा है। इस वास्ते आप प्यार दे नाल कहिंदे है
कि मैं बलिहार जाना है, मैनु गुरु मिल गया, नाम मिल गया है जी। मैं तो की है जिस तरह चकोर दा चकोर जानवर हुंदा है, ओदा प्यार चंद्रमा नाल हुंदा है, चंद्रमा आकाश विच हुंदा है, वो जदो चंद्रमा चढ़दा है उगदा है उस वक्त अपनी टिकटिकी ला के वो बैठ जांदा है। सब संत इस गल की गवाही भरते है कि गुरु दे नहीं हुंदा, वो शब्द हुंदा है, दे ता साडे समझाउण बजाउण वास्ते उन्हें धारण कीती हुंदी है। यही कारण हुंदा है कि जब तक असी संतां दी देह तो उपर नहीं उठदे गे, अपनी देह तो उपर नहीं उठदे गे, उन्ना चिर साडा यकीन नहीं बनता। ना सिख की देह देह है, ना गुरु की देह देह है, सिख आत्मा है, गुरु शब्द है। इस वास्ते आप प्यार ना कहिंदे, सुरत नूं शब्द दे विच मिलाउणा है। यही गुरु है साडी आत्मा, पर शब्द साडी आत्मा जिहड़ी है सिख है, शिष्य है, और गुरु जिहड़ा है वह साडा शब्द है। कोई संत अपने नाल किसी आत्मा नूं नहीं जोड़दा, वह शब्द दे नाल जोड़दा, नाम नाल जोड़दा है। इस वास्ते वह कहिंदे है कि प्यारिओ, तुहाडा सच्चा गुरु जो है वह शब्द दा नाम है, लेकिन देह क्यों धारण कीती? देह तो बगैर सानू कौन जोड़दा, कौन समझाउंदा? जद असी देह विच बैठे हैं, गुरु भी देह रूप विच साडे सामने बैठा है, साडे सवालों का जवाब दिंदा है, साडे अंदर उत्साह पैदा करता है। जद असी सूक्ष्म देश विच जाने हैं, गुरु सूक्ष्म रूप धारण करता है। अगर असी पारब्रह्म दे विच जाने हैं, गुरु शब्द हुंदा है। जिवें असी उपर उपर जावांगे, उस तरह ही असी उस नूं देखदे जावांगे। साडी भगती जिवें जिवें वधेगी, गुरु उही रूप धारण करता है। जदों असी सचखंड पहुंच जाने हैं, पंजे मंजिलां तय कर लैने हैं, गुरु उत्थे सच्चा शब्द, सार शब्द, नूर कह लो, प्रकाश कह लो। इस वास्ते आप प्यार दे नाल कहिंदे है, कहण लगे हो शब्द स्वरूप है, अरशां च रहिंदा है, देह तां सिर्फ समझाउण बजाउण वास्ते है। तुसीं सोच के देख सकदे हो, 25 साल महाराज कृपाल ने बड़ा उपदेश किया कि गुरु शब्द है, गुरु नाम है, लेकिन जे असी मन इंद्रिया के लोग गुलाम रहे, तुसी देख लो जब उन्होंने थोड़ा संसार तो ओले होए किस तरह होया, वो सब दे सामने ही है। सब ने यह कहता हूं तो वह मर गया है, हूँ जो मर्जी करी जाइए, बड़ा कुछ होया। लेकिन कोई ऐसा भी इंसान संसार विच उदी संगत विच पैदा होया जिन्हें संसार दे विच हर मुल्क जाके होका दिता कि भाई जेड़े कहिंदे आ गुरु मर गया, उन्होंने कोर्ट विच खड़े करके पुछो भी तुसी मरण वाला गुरु क्यों करिया, गुरु मरदा नहीं गा, मरे गुरु दी बला, वो देह पलट बदलता है। महाराज कृपाल ने कहा एक बलब फ्यूज हो जाता, दूसरा वो थां लग जाता है, वही प्रकाश हुंदा है, वही नूर हुंदा है। गुरु नानक कहिंदे है सतगुरु मेरा सदा सदा ना आवे ना जाए, ओ बनाशी पुरुष है हर जा रहे समाए, ओ बनाशी है नास तो रहत है। वो ये भी कहते जन्म मरण दो में ना ही जन परोपकारी आए, वो परोपकार वास्ते दे धार के संसार विच आउंदे है। लेकिन असी कमाई ना करते हुए ऐसे फतवे ला दिने हैं। कबीर साहब कहते हैं गुरु करया है दे का सतगुरु चीना नाहे, लख 84 धार में फिर गोते खाए। तो संत कहिंदे आ तुसी अखां तों उपर आके जो शब्द दे नाल तुहानूं जोड़िया है उहदे नाल जुड़ो। हाँ जी, सतगुर शब्द स्वरूप है,
शब्द है, तू भी कोई छोटी ताकत नहीं, तू सुरत है, आत्मा है, गुरु जिधर जाता है उदे मगर मगर सेवक ने तुरना ही है, जो दसिया है वो करना ही है। जी बाहर नहीं, वो अमरीका च नहीं रहा, हिंदुस्तान च नहीं रहा, वो तो तेरिया अखा च जो नाम दिता है उस वे बैठ जाता है। तू अखा तक खोल। सूफी संत बुले शाह ने कहा वो तेथो वख नहीं, पर वेखण वाली अख नहीं, वो अख नहीं बनाई जिड़ी अंदर वेखदी है, उस रूप दे जाके दर्शन करती है। इस वास्ते स्वामी जी महाराज कहते हैं वो दूर नहीं तो अखा आघाट। थोड़ा प्यार ना कहते हैं, तेरे कन्ना विच रोज आवाज दे रहा है, तू ओदी पकार ता गुरु जी सुन, वो तेनू रोज पुकारदा है, कहिंदा है, बाहरों भी कहिंदा है कि अंदर आओ, तुसी आपके घर पहुंचो। जी कहते हैं राधा स्वामी को कौम नहीं, मजहब नहीं। स्वामी जी का नाम शेर शिवदयाल सिंह सी, उन्हें धर्म पत्नी का नाम माता राधा सी, नारायण देवी सी जिन्हों माता राधा कहते। इस वास्ते आप कह लगे राधा स्वामी कुल मालिक नूं कहते हैं, जिमें असी अल्लाह वाहिगुरु राम रहीम कहने हैं, अनेका नाम महात्मा ने अपने प्यार विच उस परमात्मा दे रखे, कई रखे कई भुल गए, अनेका महात्मा ने आना है, होर पता नहीं किन्ने को उस प्रभु दे नाम रखने है। तुसी विष्णु सहस्रनामा पढ़ के देख लो कि किन्ने उस दे नाम है। पारा सावन सिंह कहिंदे हुंदे कि जद मैं बाबा जैमल सिंह दी सोबत विच गया पहले यही बेनती की थी कि नाम तो मैं जरूर दो पर राधा स्वामी नाम ना दो, क्योंकि लोग उस वक्त इस नाम ना बड़ा चिड़दे सन, ईर्षा करते सन। वो कहन लगे कि तू कोई नितने करदा है? वो कहता हाँ जी मैं जाप साहब करदा है, जपजी साहब करदा है, होर बाणियां मैं पढ़दा है, मेरा बड़ा प्यार है। वो कहते गुरु गोबिंद सिंह ने जाप साहब दे विच किन्ने एक नाम उचारे है? वो कहता जी पूरा तो पता नहीं पर 1400-1500 तो है ही है। वो कहने लगे तेनू उन्होंने नावों ना कोई इतराज है? कहते जी नहीं। तो फिर अगर जी स्वामी जी ने एक नाम होर परमात्मा रखता तेनू की इतराज है? वो कहन लगे आ पोथी पई है सार बचन तेनू पढ़। वो कहते जब मैं पढ़िया वो शब्द सीगा राधा आदि सुरत का नाम, स्वामी शब्द वसे निज धाम, सुरत शब्द दो राधा स्वामी दोने नाम एक कर जाने। हर इंसान नू चौकीदार चाहिदा है, जो भी दुनिया दे विच हां थानू पता है, शहर वाले लोगों नू पता है कि किस तरह चौकीदार उन्हां दे घरां च महल्लिआं च कम करदे है रात नू। तो संतां नू भी जरूरत हुंदी है, उन्हां दा चौकीदार कौन हुंदा है? कौन चौकीदार इहदा कम करदा है? निंदिया।
स्वामी जी कहते निंदया चौंकी दार बिठाई कोई जीव तसने ना पाई। कोई ना कोई ऐसा कौतक कर देंगे है, ऐसा खेल कर देंगे है, लोग उसे नु पकड़ी रखते है कि उथे ना बह जाए। उन्होंने तो नाम ही उल्ट रख लिया है। हुण तुसीं सोच के देख सकते हो ठंडे दिल ना उस वक्त की सीगा के संगत ने फुलका तैयार करना आगरे दे विच, जो लोग तमाशबीन सन, मुफ्त खोरे सन, जिहड़े परमात्मा की भगती दा करदे नहीं सन, उन्होंने खाना खा जाना और प्रेमी सारी रात सारा दिन लंगर तैयार करते रह जाते। स्वामी जी ने कहा जी इन्हां नूं ऊं हटा के देखे हटते नहीं, इन्हां नूं किस तरह हटाइए। उन्होंने एक दिन की किया, संगत उड़ीक रही सी कि बाबा जी आके दृष्टि पाउण, इन्हूं प्रसाद बनाउण, संगत दी रसना लै पवे। वो मूँह दे विच पानी भर के लै आए, वो सारे खड़े सी लोग, उन्होंने लंगर दे उत्ते सिट दिता। बस थानू पता ही है कि जिस तरह एटम बंब गिरदा है उत्थे कुछ नहीं छड़दा गा। बस वो तमाशबीना दे अंदर जिहड़े आए सीगे उन्होंने फिर उस गल का खूब प्रचार किया कि थुकदे है खाने विच, खाओ ना पिटे जाओगे, देखियो। वो गल सदा ही प्रचलित है। तो महाराज सावन सिंह एक दफा शिमले दे विच सत्संग दे रहे सी, दो जेंटलमैन सिख वीर आए। महाराज जी कहण लगे किवें बई कोई सवाल है तो सत्संग असी रोक दिने हैं, पहला तुहाडे नाल कोई गल कर लैने हैं। अगे जी नहीं सत्संग करो। सत्संग करके हटे, प्रसाद वंडन लगे। कहण लगे जी असीं प्रसाद फेर लवांगे, पहला तुसीं ये दसो भी ये प्रसाद सुचा है जां झूठा है। वो कहण लगे भी सुचा भी है और झूठा भी है। कहिंदे जी दो गल्लां नहीं हो सकदियां, या सुचा को जां झूठा को। कहण लगे कहीए किस तरह है ही दोनों सच्चियां किवें। अके जद आपां प्रसाद करदे हैं उस अकाल पुरख वाहिगुरू दे अगे आपां अरदास करदे हैं कि हे परमात्मा तैनूं भोग लगे, तेरी रसना लायक होवे, साध संगत नू तेरा प्रसाद मिले। जे तो हुण भोग लग गया तो झूठा हो गया प्रभु नू, अगर नहीं लग्या तो फिर प्रसाद ऐवें गया। वो लाजवाब हो गए। उन्होंने क्यों ये सवाल किया कि किसी ने भरम पाया होया सी। इसे तरह शुरू शुरू दे विच जद मैं पिछले पिंड सत्संग असी कीता, काफ़ी पब्लिक कट्ठी हुई, जाट लोग भी आए जिहड़े इत्थों दे मूल निवासी है, वो छुआछूत नूं बहुत तकड़े सन, सब कुछ देखिया। वैसे तो प्रबंध ते लंगर ते सब कुछ खुश, लेकिन किसी ने बैठे बैठे ने यह गल छेड़ दिती कि इहदे गुरु नूं महाराज कृपाल नूं खांसी वड़ी सी। अगे तो डब्बी कोले थुकण वास्ते रखते सीगे, वो इन्हू दे गए के। हुण तुसी देख लो भी जे खादा तुसी ते तुहाडे नाल की हो जाऊगा। मैनू किसी ने पुछया कि सच है महाराज, मैं कह भी ये तो हुण तुहाडे सोचण दी है, तुहाडे समझण दी है, पर मैं ये जरूर कहूंगा तू शराब पीने हो, बीड़ियां पीने हो, कदे उन्होंने गलियानी की है। सो महात्मा कोई ना कोई ऐसी गल कर देंदे है। महाराज सावन सिंह कहिंदे हुंदे उसे टाइम जो जवाब देंदे सी, वो कहण लगे देखो भी प्यारे हो कोई खड़ा होके दसे मैं किसी ने झूठा कदे दिता है। तो कहिंदे मैं आपके बच्चों सारी जिंदगी नाल नहीं खवाया। जिहड़ा महात्मा जागदा है दिन रात मेहनत करदा है तो अपनी कमाई क्यों देवेगा। बलोचिस्तानी मस्ताना कहिंदे हुंदे सीगे कि प्रसादी बगैर कमाई तो करिए तो सत जन्म पाप नहीं उतरदा गा।
प्रशादी विच बड़ी कमाई जांदी है ते मामूली खेड नहीं हुंदी गी। सो इस वास्ते आप प्यार दे नाल कहंदे है, कहन लगे भी मैं तुहानू कहना है कि सच्चा रास्ता है, सार शब्द है, गाड़ी राह है गुरमुखां दा बनाया होया, गुरमुखां दे चलण दा, ये प्रभु की किरत है, किसी इंसान की किरत नहीं, इनू बदल नहीं सकते, घटा वधा नहीं सकते गे। जिहड़ा इत्थे मन के चलेगा उही पार उतर जाएगा, वह वड्डे भागां वाला है। सो स्वामी जी ने जो सानू प्यार नाल समझा दिता है गुरु प्यार दा शब्द, असी भी कोशिश करिए अंदर जाइए, उस नाम दे नाल जुड़िए, शब्द दे नाल जुड़िए, जो मौका मिलिया है उस तो पूरा पूरा फायदा उठाइए। So